गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने किसी फाइल को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसमें हम कोई फ्लोरल बनाना चाहें तो कैसे एक्रेलिक कलर से हम कैसे डायरेक्ट वन स्ट्रोक टेक्निक के आधार पर कैसे बना सकते हैं इसको। तो उसमें ये एक्रेलिक कलर आपके सामने, जैसे ये वाइट कलर है, इसमें यही कलर यूज़ होंगे, वाइट कलर, ब्लू कलर, येलो, ग्रीन और ब्राउन, और ये दो ब्रश यूज़ होंगे, एक पतला ब्रश और एक फूल बनाने के लिए ये फ्लैट ब्रश, ये राउंड ब्रश है और ये फ्लैट ब्रश। अभी देखिए, हम यही दो कलर यूज़ करेंगे आपके सामने, तो कैसे ये कलर उठाना है, कैसे निकालना है और कैसे स्ट्रोक लगानी है। तो दोनों कलर्स इकट्ठे लेने हों तो आप पहले ये देखिए, हमने वाइट कलर ले लिया और उधर से ब्लू कलर ले लिया। इसको हमने अलग से मिक्स करने की आवश्यकता नहीं। देखिए फिर हम डायरेक्ट स्ट्रोक्स कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, मिक्स करेंगे तो वो अलग इफ़ेक्ट आएगा। ये देखिए, इसमें आपको सीखना चाहिए कि कलर उठाना कैसे है, शीशी से कैसे लेना है और वो स्ट्रोक लगानी कैसे है। ये देखिए, ग्रीन और ब्लू बिल्कुल अलग अलग इसकी स्ट्रोक्स आपको दिखाई देंगी। लगेगा कि जैसे देखने वाले को हैरानी होगी कि वे ब्लू कलर और वाइट कलर की जो बीच में धारियां हैं, ये कैसे आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली, पहले हम कुछ फूल बना लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, इसी तरह ये अलग अलग पत्ती के लिए हम अपने ढंग से ये देखिए, आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन से पिंक कलर का फूल बनाना हो तो वाइट और रेड को आप मिक्स कर सकते हैं। ये ब्लू कलर का बनाना है तो ये येलो कलर भी इसमें मिक्स किया जा सकता है। ध्यान से देखते रहिए, हम पहले कुछ फूल बना लेंगे, फूलों के बाद फिर उसकी पत्तियां बनाएंगे। तीन स्टेप में ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह एक फूल इधर बना लेते हैं हम, थोड़ा नीचे थोड़ा बड़ा फूल बना लेंगे। स्ट्रोक वही है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएंगे। आगे फिर डिफरेंट स्ट्रोक्स हम कैसे लगा सकते हैं, बाकी अलग अलग प्रकार के फूल हम कैसे बना सकते हैं, इसी वन स्ट्रोक टेक्निक से, सिंगल स्ट्रोक, डायरेक्ट एक ही स्ट्रोक से आप इफ़ेक्ट ला सकते हैं। तो ये चार फूल हमने बना लिए, उसके बाद हम इसकी टहनियाँ बना लेंगे बारीक ब्रश से। ये देखिए, थोड़ा ब्राउन कलर हम उसी कलर की जो ढक्कन है उसी में थोड़ा कलर पतला कर लेंगे। ये देखिए, और इसकी स्ट्रोक लगाएंगे। आप थोड़ा डायरेक्ट कोई पेंसिल से ड्राइंग करने की आवश्यकता नहीं, ये देखिए, अपने ढंग से आप जैसा चाहें वैसी कंपोजिशन
बना सकते हैं, इसके ऊपर को भी स्टॉक ले सकते हैं, नीचे को भी ले सकते हैं। कलर को पतला करने के लिए आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि एक्रेलिक कलर वाटर बेस्ड ही होते हैं, कोई ऑयल बेस्ड नहीं होते। ये ऑयल कलर जो होते हैं उनको पतला करने के लिए आप ऑयल यूज़ करते हैं, इसको डाइल्यूट करने के लिए आप पानी यूज़ कर सकते हैं। कैसे स्टॉक्स लेनी है, थोड़ा डार्कर इफेक्ट देने के लिए आप बीच में थोड़ा सा ग्रीन भी मिक्स कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी टहनियाँ बना के फूल का आकार बनाने के बाद फिर इसमें पत्तियाँ लगा सकते हैं आप। दोनों साइड ब्रश को मूव करा सकते हैं। अब उसी ब्रश से, जिस ब्रश से आपने ये फूल बनाए हैं, उसी ब्रश से हम पत्तियां बनाएंगे। उस ब्रश को धो लेंगे, ये देखिए आप थोड़ा ग्रीन कलर की एक स्टॉक ले लेंगे, थोड़ा ग्रीन कलर लोड कर लेंगे ब्रश में, साथ में थोड़ा येलो कलर। तो ये देखिए डायरेक्ट स्टॉक लगाएंगे, ये देखो ये स्टॉक लग गई। सेम दोबारा आप ले सकते हैं कलर को, ऐसे आप अपने ढंग से कोई भी आकार दे सकते हैं इसको, किसी भी साइड कोई पत्ती बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके बना सकते हैं। डार्क ग्रीन कलर भी बीच में मिक्स करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई मिक्सिंग प्लेट में उसको मिक्स करेंगे, आप डायरेक्ट कलर लेके डायरेक्ट स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये देखो अब इसमें ब्राउन की भी इफ़ेक्ट आ गया, डार्क ग्रीन का भी आ गया, ग्रीन का भी आ गया, येलो का भी आ गया। अब फिर से हम येलो में भी डिप कर रहे हैं, ग्रीन में भी डिप कर रहे हैं। तो आप ये देखिए सिंगल स्टॉक ये पत्ती बन गई, ये स्टॉक लगाई पत्ती बन गई। स्टार्टिंग में आपसे थोड़ा सा इतना अच्छा इतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन टेक्निक जब आपके पास आ जाएगी कि भाई इसको कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक लेते हैं, कैसे ब्रश को मूव कराना होता है, कौन कौन से ब्रश यूज़ होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ब्रश यूज़ नहीं हम कर रहे, दो ही ब्रश यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए। तो हर फूल के नीचे हम ये दो दो पत्तियाँ बना सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कहीं एक्स्ट्रा पत्ती हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं, ये देखिए ऐसे इसको हम हटा सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार बोर्ड के ऊपर रख के इसको मूव करा सकते हैं अपनी पेंटिंग को, ये देखिए। दो कलर ग्रीन और येलो लिया, ये देखो ये इफ़ेक्ट आ रहा है, इधर से येलो लिया इधर से ग्रीन लिया। आप इस साइड को भी स्टॉक लगा सकते हैं, इस साइड को भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, और ऐसे करके इसको ऐसे। तो आप ध्यान से देखते रहिए, सभी फूलों के आगे पीछे हम कुछ पत्तियां बना लेंगे अपने इमेजिनेशन से कि कहाँ कहाँ पत्ती हम बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा घनी भी ना दिखाई दें
और बहुत कम भी पत्तियां ना हों, एक बैलेंस आपकी पेंटिंग दिखे, फूलों का गुच्छा जो है वो एक बैलेंस दिखे। ये देखिए सेम टेक्निक, वही पत्ती है, वही ब्रश, आप उसमें थोड़ा सा ब्राउन यूज़ करेंगे तो ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। देखो ब्राउन का भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ गया, ज़रा सा ब्राउन लिया, ज़रा सा येलो लिया और बिना मिक्स किए डायरेक्ट स्ट्रोक लगाएंगे तो देखो ये येलो और ब्राउन का इफ़ेक्ट आ गया। ये देखिए इसी तरह एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि काम करते हुए आपका अपना हाथ गीले गीले काम पर ना आ जाए। थोड़ा सा हाथ का बैलेंस होना चाहिए। और कहाँ पत्ती हम बना सकते हैं, कलर्स आपने देख लिए हम कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी आसानी के लिए कलर्स को हम थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। जो आपको वीडियो में अभी नहीं दिखाई दे रहे लेकिन वही कलर यूज़ कर रहे हैं हम, जिससे देख सकते हैं ये कलर येलो और ग्रीन को लेंगे तो इधर से आपको स्ट्रोक लगा सकते हैं। आप अपने स्कूल में किसी फाइल को डेकोरेट करने, आपने फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट वर्क आपको मिला है तो कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, दूसरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से बनवाने की आवश्यकता नहीं, हर काम आपको खुद आना चाहिए। ये देखिए सेम टेक्निक है, एक ही पत्ती आप बार बार ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा पत्तियाँ नहीं लगता कि कोई और बनाई जा सकती है, बनाएंगे तो बड़ा हौच पाच सी दिखाई देगा। अभी हम इसके जो टहनियाँ और टहनी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। पहले हमने बेसिक टहनियाँ बना ली थी कि जो पूरे गुच्छे का आकार कैसा होगा, तो सेम कलर ये ब्राउन कलर का जो ढक्कन है उसी में थोड़ा ब्राउन कलर को ऐसे पतला करके थोड़ा सा पानी वाला ब्रश ऐसे करके तो ये पतला हो जाएगा जब, तो इससे हम डायरेक्ट स्ट्रोक ले सकते हैं। कलर्स को थोड़ा हटा लेंगे तो नीचे से इसका सही आकार बनाने के लिए इसकी टहनियाँ, ताकि थोड़ा नेचुरल लगे, एक्स्ट्रा टहनियाँ कौन कौन सी निकाल सकते हैं, कहाँ से निकाल सकते हैं, ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। इसी तरह ये पत्ते हमने बनाए हुए हैं लेकिन किसी टहनी के साथ उनका कनेक्शन नहीं है, तो हम वो टहनियाँ बना सकते हैं लेकिन कौन सी टहनी कहाँ से निकले उसका भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक कॉमन सेंस के द्वारा ही आप टहनियाँ बना सकते हैं। ये देखिए
जैसे जीरो नंबर के ब्रश से ये लाइन वर्क आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टहनियाँ भी नहीं, जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे टहनियाँ थोड़ी पतली होती जाएंगी, जैसे ये सबसे ऊपर वाला फूल है इसमें टहनियाँ थोड़ी पतली बनाएंगे, बड़ी मोटी जैसे नीचे से स्टार्ट हुआ है तो वैसे ही टहनी जहाँ मोटी बना देंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान से देखते रहिए, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर मूव करा सकते हैं, जिस साइड को आपने काम करना है उस साइड को आप अपनी पेंटिंग को मूव कर सकते हैं। ड्राइंग बोर्ड इसीलिए होता है, जहाँ कहीं आपका कहीं हाथ लग जाए, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि भाई कहीं भी आपका हाथ ना लगे, अपने हाथ से पेंटिंग डैमेज ना हो। ये देखो जैसे जहाँ पर हाथ मेरा आ गया है तो इसको बाद में हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी आप देखेंगे। आपके सामने जानबूझकर भी मैं गलती करूँगा ताकि गलती होती कैसे है और फिर गलती को सुधारा कैसे जाता है। कैसे टहनी हम निकाल सकते हैं थोड़ा नेचुरल लगे, ये बीच में थोड़े गुलाब के फूल के ऊपर टहनियों में थोड़े कांटे वगैरह जो होते हैं वो आप ऐसे शो कर सकते हैं। अब इन पत्तियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, दोबारा से आप पत्ती बना सकते हैं ऊपर से, क्योंकि सेम टेक्निक वही कलर, पहले येलो कलर में डिप करेंगे, ग्रीन में करेंगे और चाहें तो थोड़ा सा ब्राउन भी लेके, तो ये जैसे आप एक एक्स्ट्रा पत्ती इसके ऊपर बना सकते हैं या इसी पत्ती को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए आप इधर से एक पत्ती बना सकते हैं एक्स्ट्रा, ऐसे इधर थोड़ा हाथ लगा है तो इस पत्ती को आप दोबारा से ऐसे कर सकते हैं ताकि उस पर ध्यान ना जाए, आप एक्स्ट्रा पत्ती को ही उसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए उसके पास, ताकि बीच में आपका जैसे मान लो इधर भी कुछ आपका हाथ लग गया है मान लो, तो आप इसके ऊपर पत्ती बना सकते हैं ऐसे करके, इधर हाथ लगा है थोड़ा सा इसके ऊपर पत्ती ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी कहीं भी आपको नहीं दिख रहा कि कहीं कोई हाथ वगैरह लगा है, हाथ का कहीं इम्प्रेशन आ गया है, एक्स्ट्रा पत्ती भी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा टहनी भी बना सकते हैं ताकि वो सारी कमी दूर हो जाए। तो लगभग आपका जो फ्लोरल तैयार है, तो आप अपने स्कूल में आपको जो प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं, कभी आपको कोई फाइल बनानी होती है, फाइल को डेकोरेट करना होता है, आसपास आप टेप भी लगा सकते हैं, कलर टेप लगा सकते हैं, टेप ना लगाना चाहें तो डायरेक्ट आप ब्रश के साथ एक ही स्ट्रोक से, वो पहले भी मैंने आपको ये वीडियो सेंड किया हुआ है कि फ्लोरल पेंटिंग आप वन स्ट्रोक कैसे बना सकते हैं। ये देखिए लगभग आपकी पेंटिंग ये कंप्लीट हो चुकी है।
पूरे फाइल कवर आपका फ्रंट पेज जो है उस पर आप ये फ्लोरल बना सकते हैं। आपको ये पेंटिंग पसंद आई हो तो आप इस मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बहुत से आपके फ्रेंड्स जो हैं वो जिनके पास ड्राइंग टीचर नहीं है जिनके स्कूल में, आप उनको सेंड कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, दूसरों को भी कहिए करने के लिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए सेंड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहले मिल सके, जल्दी मिल सके। थैंक यू।